नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 14 अगस्त 2021 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जम्मू और कश्मीर में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव यानी हॉर्स रेस फेस्टिवल ये शुरू हुआ, मतलब ये 12 अगस्त 2021 को किस जिले में शुरू हुआ, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, जम्मू और कश्मीर में ये जो 2 दिवसीय एनुअल फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्स रेस फेस्टिवल, ये 12 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्टार्ट हुआ। डोडा जिला तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कल हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवा मेले का उद्घाटन किया। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा कि कुपवाड़ा जिले में बंगस आवा मेले का आयोजन हुआ और डोडा जिले में ये जो एनुअल फेस्टिवल है हॉर्स रेस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ई आंसर सही है, डोडा। बात जम्मू कश्मीर की है तो इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, इसकी बाउंड्री इधर पाकिस्तान के साथ लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीनों के साथ भी जम्मू कश्मीर की बाउंड्री साझा होती है। जम्मू कश्मीर की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी देखो 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तीन के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों एक साथ यूटी बने थे 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की जो हाई कोर्ट है इसका नाम अभी कुछ ही टाइम पहले चेंज कर दिया गया है, क्या रखा गया है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल, इनका नाम आप याद रखेगा। अब यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट जो है ये डाचीगम नेशनल पार्क ही है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर आता है सलीम अली नेशनल पार्क, फिर आता है काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई, जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथोन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखेगा जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे ये हर साल 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गन डोनेशन की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब बात करते हैं 1 अगस्त की, 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 अगस्त को एक तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है और 1 अगस्त को ही मुस्लिम वुमेन राइट्स डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ये मनाया जाता है। 10 अगस्त को, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे ये मनाया जाता है और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये भी 10 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त को हमने कल पढ़ा था एक तो इंटरनेशनल यूथ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है और 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेकेंड आप ये लिस्ट देखिए, देखो ये जो लिस्ट दी गई है ना इस बॉक्स में, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपने प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा के शुभारंभ की घोषणा की है, तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में अपने प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो MSME एम्पावर हैं, मतलब MSME सेक्टर को एम्पावर करना, ये बस इतना पॉइंट आप याद रखेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप यानी भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने
सोल्ट प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। पश्चिम बंगाल ने एक स्कीम और स्टार्ट की थी, नाम क्या था इसका, माँ स्कीम। ये स्कीम पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टार्ट की थी। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये स्कीम भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टार्ट की थी। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है, ये देखिए आप, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, पांच राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीन देशों के साथ भी ये अपनी बाउंड्री साझा करता है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कलकत्ता इसकी कैपिटल है, जो हुगली रिवर के किनारे पे है। 23 जिले हैं लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगल लीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी आप याद रखेगा जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। किसने द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लिखी है, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है अनुराधा रॉय ने। फोर्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, अनुराधा रॉय। ये लिस्ट देखिए आप, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 54 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ई आंसर सही है, 54। किसने 12 अगस्त 2021 को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किसने शपथ ली है, तो देखो सिक्किम के जो राज्यपाल है ना गंगा प्रसाद, इन्होंने ही मणिपुर के राज्यपाल के रूप में भी शपथ ली है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या नाम है, गंगा प्रसाद। बंदारू दत्तात्रेय की बात करें तो ये हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। रमेश बैस ये झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए थे। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। ये लिस्ट देखिए आप, ये 8 राज्यपाल हैं जो जुलाई 2021 में नए बनाए गए थे। इन 8 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मणिपुर की लोकेशन है, ये देखिए आप, मणिपुर के अगर हम बाउंड्री की बात करें तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीन के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और म्यांमार के साथ भी ये अपनी बाउंड्री साझा करता है मणिपुर। इम्फोल इसकी कैपिटल है। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। 21 जनवरी 1972 में फॉर्मेशन हुई थी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। इम्फोल में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं पी वी संजय कुमार इम्फोल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण 5 अगस्त 2021 से 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा, तो ये कौन सा होगा, ये 130वां एडिशन होगा। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ये आयोजित किया जाएगा, ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब देखो, एक तो कलिंगा कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, कोलंबो कप, ये सभी पांचों ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, तो आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और महाराष्ट्र के ही संगोला से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको भी स्टार्ट किया था। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में है। उत्तराखंड की बात करें तो भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया था। तेलंगाना की सरकार ने दीन बंधु स्कीम इसको लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे, किस राज्य से 12 अगस्त 2021 को 1 मीट्रिक टन जैविक चखाऊ की एक खेप यूरोप को निर्यात की गई थी। चखाओ ये चावल यानी ब्लैक राइस की एक प्रजाति है, मतलब ब्लैक राइस इसे कहा जाता है। तो ये मणिपुर से इसको एक्सपोर्ट किया गया था यूरोप की तरफ। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मणिपुर।
देखो आसाम जो है ना, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना इसको लॉन्च किया था। और पहला भारत का डायनासोर पार्क ये गुजरात में बनेगा। मणिपुर अभी हमने जान लिया। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना इसको लॉन्च किया है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर के बारे में इसी डिस्कशन में हम कवर कर चुके हैं। अगस्त 2021 में किस देश ने विदेश यात्रा करने के इच्छुक नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। ये कनाडा की देखिए लोकेशन, देखिए आप ये है लोकेशन और ये इसकी बेसिक डिटेल है। ओटावा कैपिटल है, टोरंटो लार्जेस्ट सिटी है, कनाडियन डॉलर ये मुद्रा है, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं, और हाई कमिश्नर कौन है भारत हाई कमिश्नर कनाडा में? तो अजय बिसारिया। तो ये आप याद रखेगा, ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया? इसरो किस देश का उपग्रह INS-2B उपग्रह लॉन्च करेगा? भूटान सही आंसर है, और पहले का छत्तीसगढ़ सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रशिया सही आंसर है। किस देश की महिला टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? वेस्ट इंडीज सही आंसर है। दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? रोहिणी सही आंसर है। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2021 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? जम्मू और कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में किस जिले में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया? अगस्त 2021 में 2 दिवसीय 7वें इप्सा एकेडमिक फोरम का उद्घाटन किसने किया? वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? किस राज्य सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना लॉन्च की? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।